ये क्या था इस इंडियन मैस ड्राइविंग 3D की सिटी में आ चुके हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा गोरिल्ले। वेट गाइस ये देखो अपने घर के अंदर भी आ चुके हैं। यार ये तो फ्रैंकलिन को भी कच्चा खा लेंगे गाइस। के फ्रैंकलिन सभी गोरिल्लों को मार कर खुद को और अपने सिटी के बंदों को बचा पाएगा या नहीं, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला। अरे हाय हाय यार आज तो बहुत ही अच्छी नींद आ गई। वेट यार ये मेरे घर के बाहर गोरिल्ले क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा करता हूँ न्यूज में देखता हूँ कि यार अपने सिटी में आखिर चल क्या रहा है। वेट गाइस यहाँ पर टीवी में भी यही दिखा रहे हैं कि इंडियन माई ड्राइंग 3D के सिटी में गोरिल्ला गैंग ने अटैक कर दिया है। जिसको भी अपनी जान प्यारी है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। यार मैं ऐसा करता हूँ घर से बाहर तो नहीं निकलता हूँ लेकिन ऊपर चढ़कर यहाँ से देखता हूँ कि यार मेरे घर के बाहर भी गोरिल्ले आ चुके हैं। गाइस यार अभी मुझे इनसे कौन बचाएगा? यार ये स्विमिंग पूल में ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये इनका घर हो। अभी यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये गोरिल्ले मुझे भी खा लेंगे एंड इसके साथ इस सिटी में जितने भी लोग हैं NPC से उनको भी खा जाएंगे। तो यार मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास ना वेपन्स पड़े हैं, मैं ऐसा करता हूँ अपने वेपन्स की मदद से इन्हें मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी से मैं AK-47 निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर ये जो तुम गोरिल्ला देख रहे हो जल्दी से मैं इसको मारता हूँ। ये आगे आ गया इन एक सेकंड भाई यार इन्होंने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। यार ये फ्रैंकलिन के साथ क्या हो रहा है तुम देख सकते हो यार कितना खून बह चुका है। लगता है आज फ्रैंकलिन मर जाएगा। यार कोई तो अब फ्रैंकलिन को बचा लो। यार यहाँ पर यार गोरिल्लों ने बहुत ही गंदे वाला अटैक कर दिया है। आज तो अपनी जान जाएगी जाएगी। यार अगर फ्रैंकलिन मर गया तो इस सिटी को कौन बचाएगा? वेट यार यहाँ पर मैं आराम से उठ जाता हूँ जल्दी से क्योंकि गोरिल्ले की वेट भाई साहब यहाँ से फिर से यार इस गोरिल्ले ने मुझे अपनी बड़ी लात से ऐसी किक मारी कि यहाँ पर मैं इस लैंप के पास जाकर गिर चुका हूँ। मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं सेफ हूँ, हमेशा करता हूँ मेरे पास RPG लॉन्चर पड़ा है तो यहाँ पर मैंने ये निकाली। वेट भाई ये क्यों मैं गिर गया? कोई बात नहीं मैं जल्दी से उठ जाता हूँ इन अपने RPG लॉन्चर से। तुम देखना कि मैं कैसे इन्हें मारता हूँ। यार इन्होंने इतना मुझे गंदे तरीके से मारा है कि मेरी हड्डियां ही टूट चुकी है। भी आराम से बाहर निकलते हैं वरना कि ऐसा न हो कि ये गोरिल्ला देखना ले। आराम आराम से यहाँ मेरे सामने एक आ जाए उसे देखना है मैं कैसे मरता हूँ। यहाँ पर ये एक आ रहा है लेकिन नहीं ये चला गया इसको मैं मरता हूँ। यार यहाँ पर मैंने एक ही RPG लॉन्चर से इसके ऊपर अटैक करके एक गोरिल्ले को मार दिया, दूसरा भी गया। इसे मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ भाई साहब। यहाँ पर मैंने तीन गोरिल्ले मार दिए हैं अभी चौथे की बारी है। तो यार यहाँ पर चौथा भी शायद मर चुका है, पांचवा भी मर चुका है। गाइस मैं ऐसा कहता हूँ आराम आराम से बाहर चलता हूँ। मुझे यार सच बताऊं बहुत 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 डर लग रहा है क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ ना। यहाँ पर यार गोरिल्ला एक ही लात मारेगा तो मैं 10 फीट जमीन में जाकर गिर जाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक और गोरिल्ले को खत्म कर दिया है। अभी यहाँ पर भी ये घूम रहा था इसको भी मैंने मार दिया। वेट भाई यहाँ पर ये समय गई इसको भी जल्दी से मैंने रॉकेट लॉन्चर से खत्म कर दिया लेकिन ये मरा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे जाकर इसे मरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो इसे ऐसा करते हैं सामने वो आ रहे हैं ना इसको AK-47 से मारने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब ये बहुत गुस्सा हो चुका है ये मेरी तरफ आ रहा है जल्दी से मैंने इसको रॉकेट लॉन्चर मार दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वेट ये दूसरा क्यों आ रहा था? यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया। अगर मैं इन्हें रॉकेट लॉन्चर से नहीं मारता तो ये शायद आज मुझे मार लेते हैं लेकिन नहीं यार हम आराम से AK-47 से भी मारूंगा क्योंकि यार मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं मेरे RPG में ये लॉन्चर खत्म ना हो जाए। गाइस अभी मुझे लगता है कि मुझे ना इस दीवार के दूसरी तरफ जाकर इन्हें मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मारना तो मुश्किल है। ऐसा करता हूँ इस दीवार के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ? नहीं यार ये फ्रैंकलिन का भी यार कुछ पता नहीं है, इस दीवार के ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकता। यहाँ पर ये गिर चुका है, दीवार भी बहुत ही छोटी थी लेकिन पता नहीं इसमें यार कौन सा मैग्नेट लगा है कि गिर जाता है। यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी AK-47 निकाल कर इससे जैसे ही मैं गोलियां मारूंगा ये मेरी तरफ आएगा। इन यार देखो कितना गुस्से में आ रहा है, शायद ये मुझे मारना ले। जल्दी से मैंने इसको RPG लॉन्चर मार कर खत्म कर दिया है। अभी यार वो जो सामने गोरिल्ले है ना ये थोड़ा मुझे ना डिफिकल्ट लग रहे हैं मारने में क्योंकि यार यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं। अगर मैंने इनको एक को भी गलती से मार लिया तो ये दूसरे मेरे पीछे आएगी। यहाँ पर यार रॉकेट लॉन्चर से इसे मारना पड़ेगा। AK-47 से मुश्किल है यार, देखो कितनी पावरफुल बॉडी है इनकी। AK-47 की भी गोलियां बहुत ही खतरनाक है लेकिन इनको यार कुछ असर ही नहीं होता इन गोलियों से। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर फिलहाल मैंने ये तीन गोरिल्ले मार दिए हैं, वो सामने बहुत ही दूर जा चुके हैं, इन्हें भी मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक गुस्सा हो चुका है तुम देख ही सकते हो मेरी तरफ आ रहा है लेकिन बेटा अभी कुछ नहीं होगा। तुम्हें मारने का मैंने ना सॉल्यूशन निकाल लिया है, बस तुम्हें एक RPG मारो और तुम्हारा खेल खत्म।
यहाँ पर मैंने इसको मार दिया है, इसको भी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार अपने आरपीजी में तो दम ही नहीं है, इतना दूर नहीं जाता रॉकेट, AK-47 से ही मारना पड़ेगा। इसको मैंने गुस्सा दिला दिया है, वेट यहाँ पर यार, ये डर कर दूसरी तरफ भाग रहा है, मैंने सोचा कि मेरी तरफ आएगा, लेकिन यार ये बहुत ही डर चुका है। अभी गाइस मैं ऐसा करता हूँ, ये जो एयरपोर्ट में ही ना एंड पुलिस स्टेशन के पीछे, इनको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनको ना थोड़ा ट्रिकी तरीके से मारना पड़ेगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस NPC से ये वाली कॉइन एक्सचेंज चुराता हूँ, इसके बाद इन्हें जाकर मारने की कोशिश करता हूँ। यार जल्दी से निकल जा गाइस, इन्हें देखो हम इन गोरिल्लों को मारने के पीछे पड़े हैं और ये है कि घूम रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से एयरपोर्ट में चला जाता हूँ, अच्छा हुआ कि इस गोरिल्ले ने मुझे नहीं देखा। अभी थोड़ा यहाँ पर छिप कर इसे मारने की कोशिश करता हूँ, अगर ये एयरपोर्ट वाले मर गए ना फिर इसके पीछे दो तीन गोरिल्ले बचेंगे तो इनको भी हम मार लेंगे। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ अपनी AK-47 से इसको मारने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर यार ये मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ इसके साथ हम थोड़ी गेम खेलते हैं, फिर भागता हूँ यहाँ से, जल्दी से मैं भागता हूँ। वेट यार, इसमें इतना पावर है कि यहाँ पर पहुंच गया, ये भाई कौन सा ग्लिच हो चुका है, मेरा फ्रैंकलिन इस गाड़ी से बाहर जा चुका है एंड मैं इस कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं भाई अभी मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, अभी मैं फ्रैंकलिन को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन यार ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। गाइस यार यहाँ पर तो बहुत ही गलत तरीके से ये ग्लिच हो चुका है, अगर यार हम सही नहीं हुए तो अपने सिटी को कौन बचाएगा। अभी यार ये बहुत ही खतरनाक वाला ग्लिच अपने साथ हो चुका है, कोई बात नहीं ऐसा।